दस साल से नरेश जाटव जी पार्षद हैं यहाँ से, और जो ये कहते हैं कि आपने हमें वोट ही नहीं दिया, अगर हम उनके पास किसी कार्य के कराने के लिए जा रहे हैं कि आप हमें वोट ही नहीं दिए, वो साफ मुंह पे कह देता है, इस बात को साफ कह देता है। यहाँ से गुंडागर्दी फैला रखी है, हर आदमी बदतमीजी पे, हर आदमी बदतमीजी पे आ रहा, कोई ना साफ है ना। तो फिर आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आएंगे प्रत्याशी, क्या रहेगा इस बार आपका है जी? दरवाजे पे वोट मांगेंगे आप प्रत्याशी आके कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, क्या रहेगा? किन मुद्दों पे वोट देंगे? हम मुद्दे पे वोट देंगे सफाई के, जो बदतमीजी गाँव में हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, शराबबाजी हो रही है, क्या हड़गम सड़गम काम चल रहा है, सबको बंद कराए। कहाँ जा रहा है सारा, रूट पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है? जी साइकिल पे जा रहा है, हाँ साइकिल पे जा रहा है। पहाड़ में सबसे ज़्यादा तो नवयुवक जो है हमारे नशे के आदि हैं, सबसे पहले उस नशे के जो आदि हैं, जो जगह जगह जो क्षेत्र में नशे के कारोबार हो रहा है, सबसे पहले उसे बंद कराने का काम। और मैं चाहता हूँ कि ये नरेश भाई हैं पार्षद बन के नगर निगम के में, नगर निगम में जाएं और वहाँ पे हमारी समस्या का भी समाधान कराएं, क्योंकि हमें वहाँ बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि सभी अन्य दलों के पार्षदगण रहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि मेयर भी सीमा प्रधान बने और पार्षद भी हमारा नरेश भाई बने। जैसे कि हम सपा के जो पढ़ते हैं पार्षद ऐसे सभी के पास जा रहे और अचानक पता चला, तो एक बात माता को मना नहीं है कि जो सीमा प्रधान आएगी तो जो मुसलमानों की गली मोहल्ले वो बिल्कुल साथ तीन मिलेंगे, उसमें कितना सच है? ये तो सत्य है, ये पक्की बात है, अगर सीमा प्रधान आएंगे तो बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो कराते हैं वापस आपसे, कुछ नहीं हो रहा जी किसी, बहुत गंदी गंदगी इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है हमारे मोहल्ले में। इतना हमने रिक्वेस्ट करी है सभासद से पिछले वालों से, कभी हमारे यहाँ जो हमने एक प्रयास किया है सब सर्व समाज ने कि हम नरेश सैनी जी को पार्षद बनाएंगे, इस बार पूरा समाज साथ है, पूरा समाज सब समाज दे साथ दे रहा है, लेकिन एससी समाज भी साथ में है, प्रजापति समाज भी साथ में है, सैनी भी है, पाल भी है, मोमडन भी साथ में है, पूरा समाज साथ में है। बेहद जरूरी हो जाता है वार्ड की जनता से जानना, क्योंकि वहाँ पे वो रहती है और सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा हुआ है बिल्कुल, अभी यहाँ देखिए, अभी भी मतलब कहने का मतलब ये है जो प्रत्याशी हर एक जो अपने मुद्दे लेकर आ रहे थे, अभी भी यहाँ पे साफ सफाई का बिल्कुल नामोनिशान। वार्ड पे आइए, अपना वार्ड पे आइए, वार्ड में क्या क्या लगता है आपको? वार्ड में एक तो हम एजुकेशन लेवल पे यहाँ पे लाइब्रेरी स्थापित हो और अपना पढ़ाई का माहौल अच्छा रहे, नशे के कम रहेंगे तो पढ़ाई अपने आप अच्छी रहेगी। तो एक सफाई का सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे सफाई का है कि सफाई यहाँ पे बहुत नहीं होती, यहाँ पे बिल्कुल गंदा रहता है, रोड की हो जाती है, गलियों की नहीं हो जाती है, अपने आप ही लोग केवल मैं अपनी वार्ड की जनता से अनुरोध करता हूँ ज्यादा से ज्यादा वोटों से नरेश सैनी और सीमा प्रधान को मेयर बनाए, नरेश सैनी को पार्षद चुने, आने वाला आपके वार्ड का सुनहरा भविष्य होगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। सीमा प्रधान जी हमारी मेयर बने और नरेश सैनी वार्ड नंबर दो के पार्षद बने, ये मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ। और इस वक्त मैं मल्याना वार्ड नंबर दो में हूँ, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, चुनावी जो भूगोल है काफ़ी जोरों शोरों का, हर एक प्रत्याशी है प्रचार में लगे हुए हैं, जनता को लुभाने में और जो अपनी जो मुद्दे हैं वो बताने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं समाजवादी पार्टी के मेरे साथ यहाँ जो बैठे हुए नरेश सैनी साहब है, हम सबसे पहले इनसे जानना चाहिए क्यों राजनीति में उतरे और क्यों अपने वार्ड में जो है प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जी सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम नरेश सैनी है जी, मैं वार्ड दो मल्याना से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ और मैं लोगों की समस्या को देखते हुए इस क्षेत्र में आया हूँ राजनीति में। नरेश जी सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या ऐसी एक बड़ी दिक्कत परेशानी आपके वार्ड में है जो ऐतिहासिक मानी गई है और वो अगर जनता यहाँ से आपको चुनती है प्रतिनिधि बना देती है तो आपको कराना है? सबसे पहले हमारे वार्ड की समस्या जल भराव की है जी। जो जल समस्या हमें आने जाने में परेशानी होती है, आने जाने में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं सबको निकलने में रास्ता हमारा किसी तरफ से भी खुला नहीं है, सब में जल भराव आए दिन होता रहता है जो कि 15 से 20 दिन तक जल भरा ही रहता है जी। सबसे पहले हम उसे निपटाने का काम करेंगे जी। और भी आ जाती है नाली खड़ंजे मोहल्ले गली मोहल्लों में साफ सफाई, पेंशन वगैरह है ना, काफ़ी चीज़ आ जाती है वो जो जो लोगों को सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, अब से पहले उनको भी दिलाने का काम करेंगे, आगे आगे भविष्य में अधिकतर जो है सफाई है, नाली खड़ंजे हैं, बाजी बाजी खड़ंजों में अभी भी गड्ढे हैं, जगह जगह हम क्षेत्र में जा रहे हैं पानी अभी भी भरे हुए हैं, लोग बाग हमें कहते हैं वोट किस आधार पे दें, लेकिन हम उन्हें वादा करते हैं अगर हमें आप जिता के भेजोगे सबसे पहले हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। नहीं पार्टी में मतलब जैसा पार्षद जैसा इस बार आप आए हैं यहाँ
यहाँ पर जो वार्ड में यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे, पहले पहले भी आ जाते, पहले पहले ओबीसी सीट थी नहीं हमारी, तो इस बार मौका मिला आपको, इस बार हमें पहले दफा मौका मिला, सुनहरा मौका है जी, इसी वजह से हम इस क्षेत्र में आए भी हैं और पब्लिक की समस्या को सुनेंगे भी, उसका समाधान भी होगा। इसी के साथ एक लहर जो चल रही है अतुल प्रधान जी की, जो बाईसाइकिल जो चल रही है ये डबल साइकिल से लेगी, मेन जो प्रत्याशी है यहाँ से सीमा प्रधान है, मेयर की जो प्रत्याशी है, तो पहला जो बटन रहेगा वो सीमा प्रधान का रहेगा, दूसरा प्रत्याशी सपा का रहेगा, क्या मानते हैं? जी हाँ, पहला बटन सीमा प्रधान का ही रहेगा साइकिल का जी, और दूसरा बटन पार्षद का आपका जी नरेश। हाँ बिल्कुल, एक बात और, हम यहाँ से वार्ड में बैठे आपके जानेंगे, पहले भी हम यहाँ की वार्ड न्यूज़ कवरेज करी है काफ़ी, यहाँ पर आए तो गंदगी के तो देखो यहाँ पर है, उसका कोई मतलब झूठ बात नहीं है, गंदगी यहाँ पर बहुत है मल्याना में, नाले पानी का निकासी भी बहुत यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलती है, तो अगर जनता यहाँ से आपको चुनती है, प्रतिनिधि बना देती है, तो जो आप जैसे कि आपने बताया कि मेन जो यहाँ का मुद्दा है जो मैं यहाँ से जीतने के बाद कराऊंगा वो पानी की निकासी है, इसके साथ एक ऐसा क्या ऐतिहासिक काम आप करना चाहते हैं अपने वार्ड में, जो जैसे लाइब्रेरी हुई युवाओं के लिए, खेल का कुछ मैदान हुआ है ना, इस टाइप का क्या एजुकेशन पर क्या है आपका मुद्दा? एजुकेशन पर सबसे पहले हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरी की यहाँ पर अभी तक स्थापना नहीं हुई है, जो भविष्य में अपील करके हम उसको कराने का काम करेंगे जी। इससे अलग और क्या मानते हैं वार्ड में, क्या परेशानी जो आपको कराना? वार्ड में सबसे ज़्यादा तो नवयुवक जो है हमारे नशे के आदि हैं जी, सबसे पहले उस नशे के जो आदि हैं, ये जगह जगह जो क्षेत्र में नशे के कारोबार हो रहा है, सबसे पहले उसे बंद कराने का काम किया जाएगा। इसी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से एक लास्ट मैसेज अपने पूरे वार्ड वासियों के लिए, वार्ड नंबर दो के लिए, वोट अपील के साथ क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो यही चाहूँगा, बड़ी वोट सीमा प्रधान को मिले और छोटी वोट मुझे मिले, और भारी बहुमत से जिता के सफल बना के, अब के अगर सीमा प्रधान मेयर बनेगी और वार्ड दो से पार्षद पद के हम बनेंगे, तो हम लोगों की समस्या भी सुनेंगे और करेंगे भी उनका समाधान, हम जमीन पर करके दिखाएंगे। अच्छा, जैसे कि हम सपा के जो पार्षद प्रत्याशी सभी के पास जा रहे हैं और क्या नाम पता कर रहे हैं, तो एक बात वहाँ पे कॉमन हमें मिली है कि जो सीमा प्रधान आएगी तो जो मुसलमानों के गली मोहल्ले तो बिल्कुल साफ क्लीन मिलेंगे, इसमें कितना सच है? ये तो सत्य है जी, ये पक्की बात है, अगर सीमा प्रधान आएंगे तो बीजेपी वाली ये बोलते कि नहीं हम तो कराते हैं वहाँ पर साफ सफाई, कुछ नहीं हो रहा जी, किसी बहुत गंदी गंदगी सब इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है हमारे मोहल्ले में, इतना हमने रिक्वेस्ट करी उनसे सभासद से, पिछले वालों से कभी हमारे यहाँ सफाई नहीं करी, मेरे यहाँ शादी थी, मैंने उनसे सभासद से कहा भाई हमारे यहाँ सफाई कराओ, हमारे यहाँ सफाई के लिए भेजा नहीं, अब आप ये देखिए हम कितनी परेशानी में हैं, बदबू होती है, हम अपने आदमी मजदूर लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं अपने पास से पैसा खर्च करके जब हम सफाई कराते हैं जी, आप और मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं महानगर का उपाध्यक्ष हूँ, मैं शाकिर हसन मेरा नाम है, और मुझे बहुत समस्याएँ दिखती हैं, अब से पहले जो सभासद बने हमारा कुछ काम नहीं किया, मेरे लाइट बिल लगवाई हमारे महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी साहब हैं, मैंने खुद उनसे 30 लाइटें लगवाई हैं अपने एरिया में, और 10 हाँ हमारे मलियाने में, और 10 मैंने वो लगवाए हैंडपम्प आदिल चौधरी के जरिए, और बहुत सारे काम कराए हैं, सड़क बनवाई है 2 बार। नहीं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, अगर जो यहाँ से जनता इनसे चुन लेती है, प्रतिनिधि इन्हें बना देती है, तो अभी तो बिना किसी उसके इतने काम हो रहा है, तो फिर तो सारा जिम्मे इन पे आ जाएगा, बहुत काम हो जाएगा, और हमारी सीमा प्रधान जी से हमारे ताल्लुकात 15 साल से है, अतुल प्रधान जी से, ये कहना गलत नहीं है कि सीमा प्रधान अतुल प्रधान मिट्टी के जुड़े हुए नेता है, बहुत बिल्कुल वो तो ऐसे लगे हुए हैं, अब आप देखिए पूरे शहर में सब जगह उन्होंने सब जगह मीटिंग कर ली, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने बहुत मीटिंग कराई है उनकी, आदिल चौधरी साहब के साथ में रहे बहुत जगह, हमने बहुत ज़्यादा मीटिंग कराई, पूरे शहर में सीमा प्रधान का बोलबाला है, बीजेपी को जब कोई मेंबर नहीं मिला आखिरी 25 तारीख में अहलूवालिया को पुराने को चढ़ाया कि उसके सिर पे ठीकरा फोड़ दो हैं, इन्हें कोई मेंबर नहीं मिला बीजेपी वालों को, अब ये देखिए आप सीमा प्रधान जीती पड़ी, और हम मुस्लिम समाज हमारे यहाँ कम से कम 3,000 वोट हैं, 2,000 या 2,200 वोट तो हम इनके दरवाजे छोड़ेंगे, तकड़ी वोट पे आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जाटा समाज ये रहे है अनिल वर्मा, अनिल वर्मा सभी समाज आपके साथ, हाँ सारे समाज हर समाज, तो ये कहना गलत नहीं होगा, खड़ा क्यों नहीं होगा बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, जाटाऊ भी है, जाटाऊ समाज भी आपके साथ है ना, दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, इस बार जीती पड़ी है ये सब लोग, ये जीते पड़े हैं दोनों साइकिल से जीते पड़े, इससे फाइट मानते हैं नरेश भाई, अपने वार्ड में, अपने वार्ड में नरेश, नरेश जाटव, नरेश जाटव इंडिपेंडेंट जो जी जी जो पूर्व सभासद थे, पूर्व सभासद उनको फाइट मानते हैं, कितने परसेंट मानते हैं उनको, निकलने निकल लेंगे पक्की बात है जी जी।
जी देखिए मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पे जो है कार्यकर्ता बैठे हुए, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या अपनी सोच रखते हैं वार्ड के प्रति और क्या नरेश जी के प्रति उनका व्यवहार है और क्या सोच रखते हैं जी। आपका नाम जानेंगे? मैं लेखराज सैनी, सैनी समाज महात्मा ज्योतिबा फूले वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। जी क्या मानते हैं क्या जो भैया ने जो बताया है नरेश जी ने, कितने सहमत है? मान्यवर जी आपके द्वारा 10 सालों में हम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं इन्हों के गली मोहल्लों में और जो हमारे यहाँ पानी की निकासी है, पानी की निकासी और जो हमारी विधवाएं पेंशन वाली हैं वो एक ही व्यक्ति की वो हो जाती हैं, होल्डर हो जाती हैं। क्या 10 सालों से एक ही पार्षद बनता आया है, केवल एक चुनिंदा लोगों का ही वो धरोहर राशि बन कर रह चुका है, वो सर्व समाज का भला नहीं कर पाया, ना ही मुस्लिम समाज का भला कर पाया और ना ही किसी अन्य समाज का, पाल समाज है, कश्यप समाज है, हमारा मुस्लिम समाज है, उसका कुछ नहीं कर पाया वो केवल एक ही समाज का भला कर। जिताया भी तो आप लोगों ने ना उसे? जी वो जिताया था, वो जिताया था, वो भरोसा दे के चला था, उसके लिए हम धोखा खा चुके, लेकिन यो पीड़ा आ गया सहन नहीं करनी पड़े। इसी के चलते अब एक सुनहरा चांस आपको मिला और आपके सुनहरा चांस मैं कहूँगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नरेश भाई को हम लाए, हमने पीड़ा को सहन किया, मुस्लिम भाइयों के, कश्यप समाज, पाल समाज, सैनी समाज, सभी लोगों की पीड़ा को सुना, उसके माध्यम से हमने कहा कि अपनी तरफ से भी कोई अपना ये थोड़ा सा मौका मिला है, इसे हम फोकस करें। जो पीड़ा हमने सही है 10 साल से, उस पीड़ा को हम सहन करते करते हम थक चुके हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने वार्ड की जनता? केवल मैं अपनी वार्ड की जनता से अनुरोध करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से नरेश सैनी और सीमा प्रधान को मेयर बनाएं, नरेश सैनी को पार्षद चुनें, आने वाला आपके वार्ड का सुनहरा भविष्य होगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। सीमा प्रधान जी हमारी मेयर बने और नरेश सैनी वार्ड नंबर 2 के पार्षद बने, ये मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ।